हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टेस्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में LFT भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट कब कराया जाता है, कौन से लीवर फंक्शन टेस्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, आपको लीवर फंक्शन टेस्ट की आवश्यकता क्यों होती है, लीवर खराब होने के सिम्टम या लक्षण क्या होते हैं और इसकी रिपोर्ट्स किस टाइप से बनती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट ये एक ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, ये एक ग्रुप टेस्ट होता है। इसके अंदर काफी सारे टेस्ट आते हैं, वो हम आगे बात करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, इसे हम LFT भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। इस टेस्ट के द्वारा विभिन्न तरह के लीवर से संबंधित बीमारियों का पता लगाया जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा हमें लीवर की बीमारियां, स्वेलिंग और कई तरह के क्रॉनिक डिजीज का भी पता लगाया जाता है। हमारे शरीर में लीवर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो लीवर होता है, ये हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, ठीक है, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। तो फ्रेंड्स, जो लीवर होता है, ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, यानी कि सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन, एंजाइम्स बनाने का काम करते हैं और साथ ही हमारे भोजन को, यानी कि जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का भी काम हमारा लीवर करता है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहां पर बात करें हम कि हमारा लीवर खराब क्यों होता है। फ्रेंड्स, जब भी हम बीमारियों में या कोई अन्य डिजीज में दवाइयों का सेवन करते हैं, तो हमारा लीवर उन दवाइयों और अल्कोहल से युक्त पदार्थों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है या होता है। यह हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हमारा लीवर 40-50% खराब हो जाता है, तब तक इसका कोई भी सिम्टम हमें नजर नहीं आता। इसलिए हमें रूटीन चेकअप के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट, साथ में इसके अलावा कुछ रूटीन टेस्ट भी हमें कराते रहना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम आगे इसकी, लीवर फंक्शन टेस्ट कब कराना होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ कंडीशन के अंदर हमें लीवर फंक्शन टेस्ट जरूरी कराना होता है, जैसे कि लीवर का कोई इन्फेक्शन, जैसे हेपेटाइटिस सी। लीवर को प्रभावित करने के लिए दी जाने वाली कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट की निगरानी करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास पहले से कोई लीवर डिजीज या कोई लीवर प्रॉब्लम है, ठीक है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको LFT कराने के लिए बोलता है, ठीक है। लीवर सिरोसिस, यदि आप एक लीवर डिसऑर्डर के लक्षण अनुभव कर रहे हैं, तो भी डॉक्टर आपको LFT के लिए बोलता है। प्रेगनेंसी के अंदर भी डॉक्टर LFT कराता है, ठीक है। लीवर पर कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लीवर के संपूर्ण कार्य को माप नहीं करते, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ब्लड टेस्ट कराने से ही सब चीजें क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, लीवर के फंक्शन की जांच करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ टेस्ट, जैसे SGOT, SGPT, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एल्बुमिन और बिलरुबिन टेस्ट है। फ्रेंड्स, SGOT और SGPT उन एंजाइम को माप लेने के लिए किया जाता है जो आपके लीवर से निकलते हैं। एल्बुमिन और बिलरुबिन टेस्ट से पता चलता है कि लीवर कितनी अच्छी तरीके से एल्बुमिन बना रहा है, ठीक है, और यह कितनी अच्छी तरीके से बिलरुबिन का निपटारा कर रहा है, जो कि ब्लड का एक एब्सिस्ट उत्पाद है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम इसकी रिपोर्ट्स की, कि इसकी रिपोर्ट्स कैसे आती है और क्या क्या इसके अंदर हम पैरामीटर करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें यहां पर हम LFT टेस्ट की रिपोर्ट्स की, कि हमारा जो लीवर फंक्शन टेस्ट है उसकी रिपोर्ट किस तरह से होती है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम काफी सारे टेस्ट करते हैं, यानी जो हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, इसके अंदर हम काफी सारे पैरामीटर करते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने स्क्रीन के ऊपर एक रिपोर्ट लगाई है यहाँ पर, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर SGOT, जिसे हम AST भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, SGOT जो होता है,
इसकी जो रेफरेंस रेंज होती है वो 15 to 40 होती है। बाकी फ्रेंड्स जो इसकी रेफरेंस रेंज जो इस रिपोर्ट्स के अंदर मैंने दी है ये थोड़ा लैब टू लैब भी चेंज हो सकती है, ठीक है। इसकी यूनिट जो है वो यूनिट पर लीटर में है, ठीक है। तो यानी कि जैसे SGOT की जो वैल्यू आएगी वो यूनिट पर लीटर के अंदर आएगी, ठीक है। ऐसे ही सेम SGPT जिसे ALT बोलते हैं, ALT की यूनिट है वो भी सेम है यूनिट पर लीटर, और इसकी जो रेफरेंस रेंज है वो 10 to 49, ठीक है। नेक्स्ट आता है AST और ALT यानी SGOT और SGPT का रेशियो, कि इन दोनों का रेशियो कितना होता है, क्योंकि सबसे कॉमन एंजाइम जो होता है वो हमारा SGOT और SGPT होता है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स GGTP, GGTP की जो रेफरेंस रेंज है वो 0 to 73। बाकी ये लैब टू लैब चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हर लैब में सेम रेंज मिलेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 30 से लेके 120 के बीच होनी चाहिए एक नॉर्मल पेशेंट के लिए। बिलरुबिन टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, आप देख पा रहे हैं सभी की नॉर्मल वैल्यू मैंने सामने लिखी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारे लीवर फंक्शन टेस्ट की जो है वो एक रिपोर्ट बनती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करें कि लीवर खराब होने के कुछ सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे जिस पेशेंट का लीवर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ डेफिशिएंसी आ रही है उसके अंदर, तो जैसे दुर्बलता हो सकती है उसको, थकान या कम ऊर्जा का या एनर्जी का महसूस होना, उसका वेट घटना, वजन घटना, जॉइंटिस में क्या होता है जैसे उसकी स्किन या आइस का कलर जो है वो येलो होने लग जाता है, ठीक है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम के लक्षण, आंखें जो हमारी आइस है, स्टमक और पैरों के आसपास स्वेलिंग आना, ठीक है, जी मचलाना, वॉमिटिंग, दस्त, पेट में दर्द, इस तरह के जो हमारे लीवर प्रॉब्लम होने के सिम्टम होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगली हम जो इसकी वीडियो बनाएंगे उसमें इसकी जो रिपोर्ट्स है वो पूरी डिटेल में बात करेंगे कि SGOT क्या होता है, SGPT क्या होता है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या होता है, GGTP क्या होता है, कहाँ से बनते हैं ये, तो हम आगे इसकी फुल डिटेल में बात करेंगे इसकी रिपोर्ट्स को लेकर। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।